करण जौहर की फिल्में जो बॉलीवुड में होती हैं, रोमांटिक होती हैं, पारिवारिक होती हैं, ऐसी फिल्में होती हैं जिनको देखकर आपको फील गुड होता है। लेकिन अब करण जौहर ने हॉरर की दुनिया में कदम रखा है। हालांकि करण जौहर की भूत द हॉन्टेड शिप एक फिल्म आ रही है, इस फिल्म का ट्रेलर आया है और ये उनकी पहली हॉन्टेड फिल्म नहीं है। 14 साल पहले उन्होंने काल नाम की फिल्म बनाई थी, उस फिल्म में अजय देवगन थे और वो एक हॉरर फिल्म थी। उसके बाद करण जौहर ने भूतहा फिल्मों को हाथ नहीं लगाया। 14 साल बाद वो एक बार फिर से भूत बेस्ड फिल्म लेकर आ रहे हैं, भूत द हॉन्टेड शिप। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो फिल्म है ये एक शिप में रहने वाले भूतों की कहानी है। जी हाँ, फिल्म के ट्रेलर में पहले दिखाया जाता है कि एक शिप जो है मुंबई के जुहू बीच पर अपने आप आकर रुकता है। फिर उसके बाद उस शिप में क्या कुछ हो रहा है इसको देखने की जिम्मेदारी जो है विकी कौशल को दी जाती है। वो एक मरीन इंजीनियर होते हैं और वो जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जिससे उनको लगता है कि यहाँ भले ही लोग दिख नहीं रहे हैं लेकिन रहते यहाँ बहुत सारे लोग हैं। और ट्रेलर में बहुत सारे भूत जो हैं आगे पीछे दिख रहे हैं, विकी कौशल के भूतों के जाल में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं विकी कौशल। देखा जाए तो इस फिल्म के ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आजकल जो नौजवान हैं वो हॉन्टेड फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं। ये बात अलग है कि बॉलीवुड में उस स्टैंडर्ड की हॉन्टेड फिल्में नहीं बनती जैसी हॉलीवुड में हुआ करती हैं, लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर को पसंद किया जा रहा है और कहानी भी थोड़ी अलग है। आमतौर पे आपने बॉलीवुड फिल्मों में महलों में भूत देखा होगा, जंगल में भूत देखा होगा, फ्लैट्स में भूत देखा होगा, लेकिन शिप के ऊपर भूत की कहानी जो है मुझे लग रहा है बॉलीवुड में बहुत कम बनी है। और इस बार करण जौहर ने एक अलग सब्जेक्ट चुना है कि एक शिप जो कि भूता है वो अपने आप समंदर किनारे में लग जाता है और उसके बाद क्या कुछ होता है वो आपने इस ट्रेलर में देखा होगा। आपको हम बता दें फिल्म का ट्रेलर शानदार है, इस फिल्म को लेकर जो बज़ है वो काफ़ी बना हुआ है। भानु प्रताप सिंह ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है, धर्मा प्रोडक्शन और जी स्टूडियोज़ ने मिलकर इसको बनाया है। और आपको हम बता दें कि 21 फरवरी को ये फिल्म जो है सिनेमाघरों में आ रही है। भूत द हॉन्टेड शिप ये जो है एक सीरीज़ में आएगी। फिलहाल इस फिल्म का पार्ट 1 रिलीज़ हो रहा है और विकी कौशल जिन्होंने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक से बॉलीवुड में अपनी अच्छी पहचान बनाई है, उनकी दूसरी फिल्म का जो है उनके तमाम फैंस इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि विकी कौशल की ये फिल्म उनको एक और हिट फिल्म दिला दे।